ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कर हमें माया जीत और प्रकृति जीत बनाते हैं, और जब हम इन्हें जीत लेते हैं तो ये हमारी सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे युद्ध में एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था तो वो उसके अधीन हो जाता था, ऐसे ही यदि हम पांचों विकारों को जीत लेंगे तो वो हमारे अधीन हो जाएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारे अधीन हो जाएंगे, जैसा हम उन्हें कहेंगे वैसा ही वे करेंगे। इसकी यादगार है विष्णु से सैया पर सागर की लहरों के बीच अचल अडोल स्थिति में गीता ज्ञान में मग्न है। पांचों विकारों रूपी नागों को अपने वश कर लिया है, प्रकृति भी वश है। प्रकृति को वश वे कर सकते हैं जो देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते हैं। ये देह भी एक प्रकृति है, इस देह पर राज करने वाले प्रकृति पर भी राज कर लेते हैं। और देह पर राज करना माना स्वराज्य अधिकारी बनना, कर्मेंद्रियों को अपने अधीन कर लेना और सेकंड में देह भान से न्यारे हो जाना, ऐश्वर्यी हो जाना। इससे कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं, मन भी शांत हो जाता है। और जब ये देह रूपी प्रकृति इस तरह अधीन हो गए, यानी हम उसके वश में नहीं रहे, सेकंड में उससे डिटैच हो गए, तो संपूर्ण प्रकृति ही हमारे अधीन हो जाती है। माया के पांचों विकार, काम विकार से सब जुड़े रहते हैं। जो आत्मा काम वासना को जीतने में समर्थ है वो पांचों विकारों पर सहज ही विजयी हो जाती है। गीता में भी कहा है जो योगी काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है वही सच्चा योगी है। अर्थात जिसने काम और क्रोध के वेग को समाप्त कर दिया है, सभी विकार उसके वश में हो जाते हैं, वो माया जीत बन जाते हैं। यही हमारी साधना है। और हमें जानना चाहिए कि बिना अशरीरीपन के अभ्यास के, बिना अच्छी योग साधना के कोई भी माया जीत नहीं बन सकता। इन विकारों को दबाकर नष्ट नहीं किया जा सकता, इनको तो योग अग्नि में जलाया जाता है, चित्त को शीतल किया जाता है, स्वमान में स्थित होकर अभिमान को नष्ट किया जाता है, आत्मिक वृत्ति बनाकर मोह ममता पर विजय प्राप्त की जाती है, और इच्छा मात्रम अविद्या बनकर लोभ को निर्मूल किया जाता है। कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिल गया बस, चित शांत और संतुष्ट हो जाए, वे संसार के कंपटीशन से दूर हो जाते हैं। लोग बहुत धन कमा रहे हैं, उनके पास ये साधन है, हमारे पास क्यों नहीं है? बच्चे ऐसा कहते हैं। इन सब भावनाओं से परे, काम को जीतने के लिए तो विशेष योग बल की जरूरत है। तो आइए हम सभी इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त करें और अशरीरी होकर प्रकृति के भी मालिक बन जाएं, क्योंकि प्रकृति बहुत तूफान करने जा रही है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, उसे भयंकर परिवर्तन कह सकते हैं। सब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, सागर आकाश सब की लोकेशन बदल जाएंगी, ग्रह बहुत सारे स्टार सब की लोकेशन बदल जाएगी, सब प्योरिफाई हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन अब होने जा रहा है इस सृष्टि पर, और हमें माया जीत और प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं।
तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, माया जीत हूँ, माया जीत और प्रकृति जीत हूँ। और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। सेकंड में मैं आत्मा ऐसा दीदी होकर उड़ गई परम धाम अपने प्रियतम के पास, उसको टच किया, उसके वाइब्रेशंस लिए और देह में वापस। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।